विराट कोहली ने दिखाया मॉडर्न डे की क्रिकेट है ना, मेरे से बड़ा इस वक्त कोई नहीं है। यार क्या बात है, चेजिंग में प्लेयरिंग में जो उसने हारिस राउत को छक्का मारा पहला जो मैंने बात की, वो शॉट कोई माइकल लाल नहीं मार सकता। अच्छा, मैं बात कर रहा हूँ मॉडर्न डे सिवाय इसके, इस मॉडर्न और उसकी बात देखें कि उसने हार्दिक पांड्या की बात सुनी है, बिलीव करना लास्ट ओवर तक जाना मैंने बात की थी। नवाज का ओवर एक है, उसने हार्दिक पांड्या ने उसको रिमाइंडर देता क्या, वो इनिंग्स बनाता रन के उसने बाल लगाए हुए। विराट कोहली मैच ले गया आपसे और इतना बड़ा नाम, उस नाम ने विराट कोहली ने इंडिया को ये मैच जितवा दिया। आई मीन कि क्रिकेट बहुत जबरदस्त हुई है, बहुत जबरदस्त मैच हुआ है। तो मैंने कभी अपनी लाइफ में विराट कोहली को इतना इमोशनल इस अंदाज से नहीं देखा, व्हेन ही वाज लिटरली आउट ऑफ वर्ड्स, और इस बात को कह भी रहे थे बार बार, बट वेल प्लेड, क्या बात है, जो अच्छा खेले तारीफ कर दीजिए क्या। और कुछ देर पहले भंगड़े डाले जा रहे थे, खुशियां मनाई जा रही थी, जोशो खरोश था, उतरे हुए चेहरे आप देख सकते हैं लोगों के, अब बस खामोशियों में खामोशियों से गुफ्तगू की जा रही है, और वो जो जोशो खरोश था वो कम हो चुका है बिल्कुल, क्योंकि शिकस्त के यकीन नहीं था। लोग मिठाई ला चुके थे, केक ला चुके थे कि आज हमने मिठाइयां बांटनी है, केक खाने का। तो दोस्तों आपने ये छोटा सा क्लिप देखा, आप देख सकते हैं यार कैसा मैच था। शायद मेरे हिसाब से तो मेरे जो जब से मैंने क्रिकेट मैच देखना शुरू किया है, 2011 का वर्ल्ड कप भी था, फाइनल की बात कर रहा हूँ, उससे भी मुझे ज़्यादा मजा आया इस मैच में। तो आपको क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में, प्लीज़ वीडियो के लास्ट में मैं इस टॉपिक के बारे में डिटेल में बात करूँगा, आप कमेंट में अपने सुझाव दीजिए और इस मैच के बारे में बताइए। इतना अच्छा मैच होता है, अगर इंडिया 15 ओवर में जीत जाता, आसानी से जीत जाता तो मज़ा नहीं आता। 3 ओवर में 50 रन चाहिए और उसके बाद जो ड्रामा होता है, लास्ट ओवर में 16 चाहिए, नो बॉल हो रही है, 3-8 हो रही है, वाइड बॉल हो रही है, लास्ट में 2-2 चाहिए, कार्तिक आउट हो रहा है, क्या मैच है यार, क्या मैच। पहले वीडियो देखते हैं पाकिस्तान का, फिर लास्ट में बात करते हैं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। माइकल हसी डिड टू पाकिस्तान बैक इन 2010, और जब हम उस मैच की बात करते हैं तो उस टीम में पाकिस्तान के खिलाड़ी जो थे वो हमारे सारे इस वक्त मौजूद हैं। शाहिद खान आप लाला ज़ाहिर, दिल टूटा है, एक ऐसा मैच जो हमें जीत जाना चाहिए था। मैं वो सेंट लूशिया माइक हसी वाली इनिंग को भी याद कर रहा था। कुछ मुलती जुलते तासुरात थे लाला, वैसी फीलिंग कुछ आ रही थी इस मैच में भी। वेल अदील, मेरे ख्याल में ऐसे दिल टूटना, हाँ इस तरह आप कह सकते हैं, क्योंकि जीता हुआ मैच था, हम 90-95% मैच जीत चुके थे शुरू से ही अगर देखा जाए। हमने जिस तरह स्टार्ट दिया, स्टार्ट इतना अच्छा नहीं था, लेकिन उसके बावजूद हमने अच्छा टोटल जो है ना वो लगा दिया था। आई मीन के हमसे कुछ एक अगर नवाज का ओवर देख लें, या शहीन के एक ओवर में 16-17 रन बने, नवाज के ओवर में 21 रन बने, एंड देन फिर नो बॉल। आई मीन इसमें मैं समझता हूँ कि विराट कोहली मैच ले गया आपसे, और इतना बड़ा नाम, उस नाम ने विराट कोहली ने इंडिया को ये मैच जितवा दिया। आई मीन कि क्रिकेट बहुत ज़बरदस्त हुई है, बहुत ज़बरदस्त मैच हुआ है। आई होप अगर एज अ मेरे ख्याल में मैंने इंजॉय किया इस मैच को, ठीक है मैच हमें जीतना चाहिए था, ये चीज़ें ये गलतियां हुई हैं। एक ये कह सकते हैं कि हमने अच्छा स्टार्ट किया, हारने का मतलब ये नहीं कि हमने स्टार्ट अच्छा नहीं किया इवेंट का, हमने अच्छा स्टार्ट किया है, मज़ेदार स्टार्ट किया है, और होता है देखिए आप 98% मैं कहूंगा कि मैच आप जीत गए थे, लेकिन एक विराट कोहली और कुछ हमारी गलतियों की वजह से वो मैच जीत गए वो लोग। मैंने कभी अपनी लाइफ में विराट कोहली को इतना इमोशनल इस अंदाज से नहीं देखा, व्हेन ही वाज लिटरली आउट ऑफ वर्ड्स, और इस बात को कह भी रहे थे बार बार, बट वेल प्लेड, क्या बात है, जो अच्छा खेले तारीफ कर दीजिए क्या। नजीब आप कुछ जी कह रहे थे, वही फास्ट बॉलर की बात हो रही थी, कामरान आप प्लीज अपनी बात कंप्लीट करें। मैंने कहा था हम लोग एड एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर हम लोग कर सकते हैं, कंडीशन हमारे मतलब की है, पिचेस विकेट को फास्ट बॉलर्स को हेल्प कर रहा है, तो हमें ज़रूरत भी है। एक जैसे यूनुस भाई ने बताया शाहीन का, वो भी एक रीज़न था। वैसे भी हमारा कॉम्बिनेशन 4 फास्ट बॉलर के साथ बनता है। नवाज रेगुलर बॉलर नहीं है, ये ऑलराउंडर है, बैटिंग ऑलराउंडर है, ये बॉलिंग इसने टीम में आके प्रॉपरली शुरू की है, ये स्पेशलिस्ट 5 बॉलरों में नहीं आता, लेकिन क्रेडिट देना चाहिए, ये मेरी थॉट थी कि 11 ये बनते हैं। हाँ। लेकिन विराट कोहली ने दिखाया मॉडर्न डे की क्रिकेट है ना, मेरे से बड़ा इस वक्त कोई नहीं है यार, क्या बात है। चेजिंग में प्लेयरिंग में जो उसने हारिस राउत को छक्का मारा पहला जो मैंने बात की सामने कहा, वो शॉट कोई माइकल लाल नहीं मार सकता। अच्छा, मैं इतनी बात कर रहा हूँ मॉडर्न डे सिवाय इसके, इस मॉडर्न एरा। और उसकी बात देखें कि उसने हार्दिक पांड्या की बात सुनी है, बिलीव करना लास्ट ओवर तक जाना मैंने बात की थी। नवाज का ओवर एक है, उसने हार्दिक पांड्या ने उसको रिमाइंडर देता क्या, वो इनिंग्स बनाता रन के उसने अंबार लगाए हुए हैं। हाँ। तो वो अपने पार्टनर की सुन रहा, जूनियर है, तो यही होती है टीम एफर्ट, गेम प्लान लेके जाना। तो मेरे ख्याल से आपने गेम प्लान की वजह से जीते हैं और अपनी समझदारी की वजह से जीते हैं,
और एंड तक गए हैं, चार आउट भी हो गए हुए थे, पावर प्ले में ऑलमोस्ट चार आउट हो गए थे, तो उसके बाद मैच जीतना मेरे ख्याल से अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस है। हमारी टीम ने अच्छा किया पैचेस में किया, लेकिन ये एक मोमेंटम मिला उसके बाद लूज नहीं किया। गेम प्लान की बात करें तो गेम प्लान इस तरह का होना जिसमें नवाज का आखिरी ओवर हो, ये एक लूप होल था प्लानिंग में। वो देखें वो जरूर था, मैं कह रहा था पहले ही कह रहा था कि नवाज हमें स्पिनर्स को मार पड़ रही है, नवाज का लास्ट ओवर आएगा, अभी 6 ओवर रहते थे, अगर उस टाइम करवा लेते ना 10-12 होता है तो बच जाते। बॉलर वाइड्स दी और छक्के चौके खाना शुरू कर दिए, एक अच्छा खासा बना हुआ मैच, जीता हुआ मैच पाकिस्तान आज हार गया। अभी आप देख सकते हैं कि जहां पर कुछ देर पहले भंगड़े डाले जा रहे थे, खुशियां मनाई जा रही थी, जोशो खरोश था, उतरे हुए चेहरे आप देख सकते हैं लोगों के, अब बस खामोशियों में खामोशियों से गुफ्तगू की जा रही है और वो जो जोशो खरोश था वो कम हो चुका है बिल्कुल, क्योंकि शिकस्त के यकीन नहीं था। लोग मिठाई ला चुके थे, केक ला चुके थे कि आज हमने मिठाइयाँ बांटनी है, केक खाने का टाइम है। कुछ हम बात करते हैं, एक और भाई हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, आज की पाकिस्तान की जो शिकस्त हुई है इसको किस तरह देखते हैं कि अच्छा खेला है पाकिस्तान या क्यों कैप्टेंसी में आपको कमी नज़र आई है बाबर आजम जी? बिल्कुल इस तरह ही है, हमारे पाकिस्तान ने पहले बॉलिंग की और फर्स्ट ऑल मैच में ये नज़र आ रहा था कि हमारा पाकिस्तान विन करेगा, लेकिन कुछ बॉलर्स हम ये तो नहीं कह सकते उन्होंने गलत बॉलिंग की है, लेकिन ये कुछ अल्लाह की तरफ से भी उन्हें रन्स लग गया तो कोई मसला नहीं है। उन्होंने टफ टाइम दिया इंडिया को भी और उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, बैटिंग भी बहुत अच्छी की है, लेकिन रन रेट थोड़ी इस वजह से जरा इंडिया ने जरा चेज करने में आसानी पैदा की। अच्छा, क्या अभी भी आप वो गाना गाएंगे, तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है? जी सारी बात हमारा या हारो हमें तुमसे प्यार है, आपने अच्छी बात की है। पाकिस्तान के खिलाफ अपनी T20 कैंपेन का पहला मैच जीतने में कामयाब और 4 विकेटों से भारतीय टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ MCG में कामयाबी हासिल कर ली। भारतीय टीम इब्तदाई मराहिल में लड़खड़ाई जरूर, पाकिस्तान ने 4 विकेटें हासिल जरूर की, 10 ओवर में 45 रन ही बनाने दिए भारतीय टीम को, लेकिन उसके बाद क्या शानदार बैटिंग की विराट कोहली और हार्दिक पांड्या ने, जबरदस्त पार्टनरशिप लगाई, विराट कोहली आखिरी गेंद तक क्रीज पर मौजूद रहे और अपनी टीम के लिए मैच विनिंग इनिंग खेली। एक बार फिर भारत ने पाकिस्तान को वर्ल्ड T20 के इस पहले मैच में शिकस्त दे दी है। 4 विकेटों से भारत ने सनसनीखेज मैच में कामयाबी समेटी, मैच पूरा मैच में हमें ट्विस्ट एंड टर्न नजर आए, कभी भारत का पलड़ा भारी होता हुआ नजर आया, कभी पाकिस्तान का पलड़ा भारी होता हुआ नजर आया, कभी पाकिस्तानी बॉलर्स पाकिस्तान को गेम में वापस लेके आए, कभी भारतीय बल्लेबाज शतक हासिल करते हुए नजर आए। इवेंचुअली विराट कोहली ने शानदार बैटिंग की बदौलत अपनी टीम को यह पहली कामयाबी दिला दी। अगर यही चीज पाकिस्तानी प्लेयर बैटिंग कर रहे होते, यही चीज इंडियन बॉलर्स होते और यही तमाम चीजें पाकिस्तानी बल्लेबाजों के साथ हुई होती तो सर आपको मैं गारंटी के साथ कहता हूं इस वक्त ढोल पीटा जा रहा होता ICC के खिलाफ भारतीय टीवी चैनल्स पर, वहां बैठ के वो सारे रोने गाने गा रहे होते हैं, वो तमाम चीजें कर रहे होते हैं। वही काम आप भी कर रहे हैं, वही काम मैं भी कर रहा हूं, वो ढोल हम भी पीट रहे हैं और आप भी बैठ के यही पीट रहे हैं। अभी आप उनको ये कह रहे हैं कि वो ढोल पीटेंगे, एग्जैक्टली यू एंड माइसेल्फ इज डूइंग द सेम। वो भाई गेम को गेम रहने दे, पहले जमाने में मैच। तो दोस्तों आपने पाकिस्तानी मीडिया को सुना, अब बेचारे वो लोग क्या कहें यार, उनकी भी हालत आप समझ सकते हो, उनकी जगह आप होते, 3 ओवर में 50 चाहिए, आप तो मैच जीता जिताया हार गए हो यार। पाकिस्तान तो जीता जिताया मैच हारा है, जिस सिचुएशन से इंडिया मैच जीता है, सीरियसली मतलब कोई वर्ड नहीं है यार, कोई वर्ड ही नहीं है। इतना अच्छा मैच यार, इतना अच्छा मैच, मैं कह रहा हूँ ना, आप कमेंट में बताएं कि ये शायद आपकी ज़िंदगी का सबसे अच्छा मैच हो। मतलब अगर इंडिया ऑर्डनरी तरीके से जीत जाता, ऑर्डनरी मतलब 15 ओवर या 16-17 ओवर मैच फिनिश कर देता, ऊपर से 6 ओवर में 50 विराट कह रहा हूँ रोहित और KL राहुल मार देते तो ख़त्म हो जाता। मैं जब विराट कोहली आए उसके पहले इंडिया के 3 विकेट गिर चुके थे तो मैंने कहा यार ये रोहित शर्मा KL राहुल ये फ्रॉड है यार, ये बड़े मैच के प्लेयर नहीं है। सूर्य कुमार यादव भी मतलब बड़े प्रेशर वाले मैच में नहीं चल रहा है, विराट कोहली है 50 रन प्लस मार दे तो शायद ये मैच इंडिया जीत सकता है। हार्दिक पांड्या सपोर्ट देते, हार्दिक पांड्या ने अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जिस तरीके से इनिंग खेली थी वैसा कुछ कर दे तो मैच जीत जाएंगे, वो कह रहे हम नहीं जीत रहे, इस तरीके की बातें करी हम लोगों ने। और बस मैंने साउंड बंद किया और टीवी देख रहा था मोबाइल चला रहा था। फिर एक ओवर में हार्दिक पांड्या ने 2 छक्के, विराट कोहली ने 1 छक्के मारे, वहाँ से मैंने साउंड टीवी का ऑन किया और बस वहीं से जो एक्साइटमेंट आया। फिर भी उसके बाद हारिस राउफ ने 1 ओवर 4 रन का मार मतलब डाल दिया और रन नहीं बन रहे थे, बहुत मुश्किल से बन रहे थे। और आकाश चोपड़ा बोल रहे हैं आखिरी ओवर में आप क्या 20 रन छोड़ेंगे, उसके बाद गौतम गंभीर बोलते हैं उससे पहले आपको 15 रन बनाने पड़ेंगे, और वैसा ही कुछ सीन होता गया, 15 प्लस रन बने, लास्ट ओवर में बचे 16 रन बचे, हार्दिक पांड्या पहली बॉल पर आउट हो जाते हैं,
आते हैं डीके, डीके देते हैं सिंगल, अब चाहिए है 4 बॉल पे 15 रन। अब आता है क्या, विराट कोहली को फेंकी जाती है एक नो बॉल और विराट कोहली उसमें मारते हैं छक्का, तो हो जाते हैं 7 रन। उसके बाद फेंकी जाती है एक वाइड बॉल, फिर आप देख रहे हो मैच, उसके बाद विराट कोहली फ्री हिट पर आउट होते हैं, 3 रन लिया जाता है। सोचो आप, एक एक बॉल रट गई है, आपको भी रटी होगी, 3 बॉल। फिर कार्तिक आते हैं, 2 बॉल पे चाहिए रहते हैं, 2 रन, कार्तिक हो जाते हैं आउट। अश्विन आते हैं, अश्विन 1 बॉल पे 2 रन। अब क्या टाई होगा, या तो फिर सुपर ओवर, या तो फिर इंडिया जीतेगा। वाइड चली जाती है, फिर हो जाता है मैच स्कोर लेवल। उसके बाद अश्विन आराम से एक चौका मारते हैं और इंडिया मैच जीत जाता है। यार क्या मैच, यार सीरियसली क्या मैच, आपको क्या कहना है स्टॉप।